बॉलीवुड को छिछोरे दंगल और बवाल जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले निर्देशक नितेश तिवारी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म रामायण पर काम कर रहे हैं। इस समय फिल्म के स्क्रिप्ट और कास्टिंग पर काम चल रहा है। अब फिल्म की कास्टिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार नितेश तिवारी की रामायण में रावण के रोल के लिए कन्नड़ सुपरस्टार यश के कई सारे लुक टेस्ट लिए गए हैं। फिल्म के मेकर्स अभी रावण पर काम कर रहे हैं और इसके लिए यश ने हाल ही में कई लुक टेस्ट दिए हैं। यश का फाइनल होना अभी बाकी है। माँ सीता और हनुमान जी के रोल के लिए कास्टिंग में अभी थोड़ा समय लगेगा। माँ सीता के रोल के लिए अभी तक किसी भी एक्ट्रेस को नहीं चुना गया है। फिल्म के मेकर्स अभी जल्दबाजी में नहीं हैं और हर कदम को अंतिम रूप देने से पहले पर्याप्त समय ले रहे हैं। रणबीर कपूर को लेकर खबरें आई थीं कि भगवान राम के रोल के लिए उन्हें कास्ट किया जाना है, जो कि सच है। लेकिन भगवान राम के रोल के लिए रणबीर कपूर और रावण के रोल के लिए यश, इन दोनों को अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। नितेश तिवारी की रामायण में ये दोनों एक्टर्स मुख्य भूमिकाओं में पहली चॉइस जरूर हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिल्म मेकर्स जल्द ही इस पर फैसला लेंगे और आधिकारिक घोषणा करेंगे। अब देखना यह होगा कि नितेश तिवारी की रामायण में किन किन एक्टर्स की कास्टिंग की जाएगी। हालांकि भगवान राम के लिए रणबीर कपूर और रावण के रोल के लिए यश बिल्कुल सही चॉइस हैं। अगर इन दोनों को इस फिल्म में कास्ट किया जाता है तो फिल्म में एक अलग ही अनुभव देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों ही एक्टर्स की इमेज लार्जर देन लाइफ वाली है। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।